हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डीके पी रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताने वाला दोस्तों ये जियो 320 है। दोस्तों इसमें दो प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए, एक तो ये है कि टेम्परेचर टू लो हाई, ये मतलब थोड़ा देर आके और स्विच ऑफ ऑटोमेटिक हो जा रहा है दोस्तों, तो इस तरह आपका कंडीशन हो। और एक प्रॉब्लम और है दोस्तों कि इसमें यदि आपका चार्ज लगाते हैं शो नहीं करता, या तो बंद में या तो चालू में। तो फिर भी ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें आपको दोनों का सोल्यूशन बताएंगे दोस्तों। यदि आपका टेम्परेचर तो आ रहा है तो पर भी, या चार्ज नहीं शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अभी चार्ज शो नहीं कर रहा है और ये 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह कंडीशन है आपका, चार्ज शो नहीं करना और टेम्परेचर जो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, इसमें पूरा जानकारी देंगे दोनों प्रॉब्लम का। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बगल का बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको बंद में भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। ऑन में तो दिखाई दिए लेकिन अभी देखिए बंद में भी नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ से आता है। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा दिक्कत नहीं आता है, कभी कभी रजिस्टर का दिक्कत आता है, कभी कभी डायोड का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस मेरा केस में ये चार्जर पिन इसमें नया डाला हुआ है, कस्टमर का डलवाया था कहीं से। देखिए इसका हम चेक भी किए थे दोस्तों कि इसका ना यहाँ से जो DP माइनस प्लस रहता है, सटानेस भी इसमें शो नहीं करता है चार्जिंग। तो उसका तो प्रॉब्लम नहीं, सटाना नहीं चाहिए। यहाँ से यहाँ भी मैंने चेक किया दोस्तों कि आ रहा है, लेकिन आपका देखना है, आपको ये जो VCI लहर रहता है दोस्तों बीच वाला, उसको एक बार चेक करना है। मेरा केस में देखिए शॉर्ट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें ना रीडिंग थोड़ा मतलब थोड़ा सा अलग आ रहा है दोस्तों। तो आपको इसी को फाइंड करना है दोस्तों कि VCI लाइन को आपको कैसे फाइंड करना है कि कितना रीडिंग आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा केस में इसमें 10 इस तरह आ रहा है दोस्तों, लेकिन 10 नहीं आना चाहिए दोस्तों, उससे कुछ ज़्यादा आना चाहिए, यानी 1500, 1600, 1400 इस तरह आना चाहिए, लेकिन इसमें 10 आ रहा है दोस्तों। यही हम सेम बोर्ड एक दूसरा का देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें रीडिंग कितना आएगा दोस्तों, देखिए 13, 14, ई मतलब सही है दोस्तों, क्योंकि ई शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसमें है जो कुछ शॉर्ट है दोस्तों, उतना शॉर्ट नहीं है लेकिन कुछ शॉर्ट है। और एक बोर्ड हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, देखिएगा इसमें भी वही आएगा 13, 65, यानी 14, 13 इस तरह आना चाहिए, लेकिन इस बोर्ड में दिक्कत है दोस्तों। देखिए कि इसमें 10 आ रहा है, यानी 4-5 पॉइंट का शॉर्टिंग है दोस्तों इसमें, इसलिए ये प्रॉब्लम है। टेम्परेचर तो है या तो आपका चार्ज शो नहीं करना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम आता है कहाँ से, देखिए एक छोटी सी यहाँ रहता है दोस्तों, डायोड कहते हैं इसको, काला जैसा है, ये शॉर्ट हो जाता है दोस्तों, इसलिए इस तरह होता है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है, मतलब रिमूव कर देना है, बस ये छोटी सी काम करना है दोस्तों आपको। देखिए इसको हटा दिए दोस्तों, इसका मेरा पहले भी वीडियो बना है दोस्तों, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, जो भाई नहीं देखे होंगे तो आज देख लीजिए। देखिए बस इतना सा ही काम करना है दोस्तों, आपका चार्जिंग शो होने लगेगा और टेम्परेचर तो लो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी 13 चला गया, पहले जो उस बोर्ड में था उसी तरह होने लगा दोस्तों, यानी 100% वर्क हो गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें और एक प्रॉब्लम रहता है, जो 1K का और 10K का जो रजिस्टर रहता है वो भी शॉर्ट हो जाता है, तो पर भी मतलब होता है। देखिए अभी चार्ज होने लगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को और चैनल को हुआ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह ट्रिक इस तरह चैनल में डालते रहता हूँ आप लोग के दोस्तों। आपको इस ट्रिक से काम होता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम आपको चार्ज करके भी थोड़ा दिखा देते हैं दोस्तों, अभी तो बिना बैटरी का लगाएं कि आ गया उसमें, तो अभी चार्ज भी हो जाएगा दोस्तों। देखिए आ गया, तुरंत आ जाता है दोस्तों, अभी चालू में भी होगा, बंद में भी होगा। और टेम्परेचर तो लो देखिए 18% चार्ज भी है दोस्तों। चलिए अभी हम आपको थोड़ा चालू में भी दिखा देंगे दोस्तों। तो ये रजिस्टर का देखिए दोस्तों, इतना ये छोटी सी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन देखिए पूरा शॉर्ट नहीं हो रहा है, हल्का सा शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन को चार्ज होने नहीं देता है, या तो टेम्परेचर तो लो बताता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, VCI लाइन को अभी आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, ये वाला डायोड रिमूव कीजिएगा, हो जाएगा आपका। और नहीं तो उसका जो रहता है दोस्तों छोटा छोटा कंपोनेंट, वो भी कभी कभी वीक हो जाता है वाटर डैमेज से, तो पर भी यही दो कारण रहता है टेम्परेचर तो हाई का दोस्तों। और चार्जिंग का तो आपका उधर है, अब वहाँ तो लिंक दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं चार्जिंग प्रॉब्लम का। चलिए दोस्तों, खुल रहा है थोड़ा। और दोस्तों कोई भी सवाल हो किसी टॉपिक में तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों, तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, कि आपका प्रॉब्लम फिक कर सकूं दोस्तों। और ज़्यादा कमेंट आया तो मैं उस टॉपिक में वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी चालू हो रहा है, तो चालू होने के बाद देखिएगा टेम्परेचर तो लो शायद अब नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इस तरह बहुत सेट बनाया दोस्तों, कभी काल हुआ तो
इसमें हटाने के बाद आ जाता है, तो आप वो रजिस्टर चेक कीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों आप खुले, देखिए दोस्तों कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि ये वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। इस तरह शॉर्टिंग है आपका, तो ज़रूर रिमूव कीजिए। और देखिए अभी चार्ज भी शो कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आपका। तो बस यही वीडियो है दोस्तों, आपको बस डायोड को रिमूव करना है, तो आपका टेम्परेचर तो हाई फिक्स हो जाएगा, और फेक मतलब चार्जिंग शो ना करना, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। देख सकते हैं अभी चार्ज हो रहा है।